नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट घर पे हैं। यहाँ पे कैश टिकट नहीं मिलता है, आप अपना कार्ड से ही ले सकते हैं, इसलिए अपना कार्ड साथ में लेके जरूर आए। अगर आप बाहर से देखना चाह रहे हैं तो 150 रुपए का टिकट लगता है, और अगर स्टेच्यू के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो उसका 380 रुपए लगता है। अब हम लोग बस की तरफ जा रहे हैं। बस मैंने टिकट परचेज कर लिया है और अपनी बस के अपने नंबर का इंतजार करते हुए हम लोग बस में आ गए हैं। आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो यहीं पे ही आपको अपने वाहन को पार्किंग करना पड़ेगा। यहाँ से आपको बस से या ई ऑटो से जाना पड़ेगा। ये एकता मॉल है, यहाँ से आप कुछ भी सामान खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। न्यूट्रिशन पार्क है, बेड है, वीआईपी हेलीपैड, ये आरोग्य वन है। यहाँ पे दुनिया भर के योग्य देखे योगा करते हुए लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे पूरा योगा का बनाया गया है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जड़ी बूटियाँ हैं जो आयुर्वेदिक में यूज की जाती हैं, उन जड़ी बूटियों का एक संग्रह बना हुआ है। छोटे से एरिया में आप गार्डन कैसे डेवलप कर सकते हो, अंदर आपको घर पे कैसे गार्डन डेवलप कर सकते हैं आप देख सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। जय माता दी, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की फोटो है ये। यहाँ पे नर्मदा नदी देख सकते हैं आप, नर्मदा नदी देख सकते हैं। सामने एकता नर्सरी है जिसका बोर्ड लगा हुआ है। आर्टिफिशियल वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पे, यहाँ की सुंदरता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल वृक्ष लगाए गए हैं। देख सकते हैं आप सामने नर्मदा नदी और ये पुल, जहाँ से अभी लोग बड़ोदरा जा सकते हैं और राजपिपला जा सकते हैं। नर्मदा नदी आप देख सकते हैं, सरदार पटेल जी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो एकता का प्रतीक है, सरदार पटेल जी की स्टेच्यू देख सकते हैं आप। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके हैं हम, यहाँ बस छोड़ेगी, फिर यहाँ से पैदल यात्रा करना पड़ेगा। हम लोग जो है ना, जो हमारे शिरडी के दोस्त हैं, अंतन जी हैं और अमोल मोर, अमोल आपने मोसर संजय कॉलेज के प्लस के से यूट्यूबर दिल्ली जी। अच्छा अच्छा, दिल्ली का है क्या आप? यूट्यूबर ये सभी लोग घूमने आए हुए हैं। संजीवनी कोपर गांव से आए हुए हैं लोग। ये लोग भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने आए हुए हैं, इनसे मुलाकात हुआ, इन्होंने ही मेरे को टिकट दिलवाया हुआ है, ठीक ना? क्योंकि यहाँ पे कैश टिकट नहीं मिलता भाई जी, अगर आपको टिकट लेना है तो आपको कार्ड लेके आना पड़ेगा। प्यार दोस्तों, इन्होंने भाई साहब ने अपनी पूरी जानकारी दी यहाँ की और आगे भी देंगे। पे बस ने उतार दिया है, यहाँ से फिर आपको पैदल जाना है, पैदल जाना है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिरडी भी आना कभी? बिल्कुल आएंगे सर, वही कोपर गांव। ओके जी, वो कॉलेज भी संजीवनी यूनिवर्सिटी। ओके सर, ओके, संजीवनी यूनिवर्सिटी। ओके सर, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से देख सकते हैं आप, और पीछे आप देख सकते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हमारे सामने। पीछे नर्मदा नदी बहते हुए, बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ का, स्वच्छ हवा, सुंदर प्राकृतिक नजारा। और सामने आप देख सकते हैं डैम, सामने आप देख रहे हैं सपुतरा पर्वत है, जो बहुत फेमस पर्वत है।
जैसे सह्याद्री है वैसे सापुतारा है। के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर और ये देख सकते हैं कितना अच्छा झरना बनाया गया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास। यहाँ पे आप फोटो खिंचा सकते हैं। कितना सुंदर बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा झरना बनाया गया आर्टिफिशियल झरना। शिकारी अरण्य बक्षी चुकी गयो अने एनी बस्तु माथी निकली।